हेलो दोस्त, आज है हमारे पास जादुई गुड़िया। और ये कोई आम गुड़िया नहीं है, इस गुड़िया से हम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जो हम इसके साथ करेंगे वो दूसरे इंसान के साथ भी होगा। फिर देर किस बात की, चलो गाइस पहले उस टकले को सबक सिखाते। यहाँ पर उसकी पिन घुसाते नाक में। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बस थोड़ा सा खून निकला है और कुछ नहीं हुआ। ये हमने एक और एक पिन घुसाया तो वो तो गिर गया। लेकिन वो मरा नहीं है, हमें उसे मारने के लिए दो तीन पिन और घुसाने होंगे। अब उसका खेल खत्म। वैसे गाइस ये देखो, टकले ने टोपी पा ली है। अरे कोई बात नहीं, इसके टकले में फिर से मारते हैं ताकि इसकी टोपी निकल जाए। इसकी टोपी नहीं निकली, लेकिन ये तो यहाँ पर मर चुका है। अरे ये इतनी जल्दी नहीं मरा, ये फिर से जिंदा हो गया। अब तो इसका खेल खत्म, अब चलते हमारे तीसरे शिकार के पास। देखो इसने भी टोपी पाई है। अरे टोपी अंकल, टोपी निकालो, टकला दिखाओ। ये क्या, इसका खेल तो बहुत जल्दी खत्म हो गया और हम यहाँ पर जीत गए। अरे चलो गाइस, अब यहाँ पर मैं खेलूंगा, देखता हूँ मेरे पास कौन कौन सी पावर है। अरे ये क्या, तुम तो अब किसी को भी हवा में उड़ा सकते हो। अरे ठीक है, पहले मैं इसे उड़ा के देखता हूँ। अरे ये क्या, ये तो सच में हवा में उड़ने लगा। अरे यार ये तो पंछी की तरह हवा उड़ रहे, तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। अरे यार मुझे क्या पता, मैंने तो जल्दबाजी में उसे कहीं भी फेंक दिया। लेकिन ध्यान से फेंको, कहीं वो पानी में ना बच के निकल जाए। अरे ऐसे कैसे बच के निकल जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास जादुई गुड़िया, तो हम किसी को भी पकड़ेंगे तो वो वैसा ही करेगा। अरे क्या, तुम तो इसको पैर से हवा घुमा रहे हो। ये क्या, उसको तो तुमने जमीन में पटक दिया। और देखो जमीन में पटकते है उसका सर घूम गया। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा मस्त है, काश ऐसा जादू मैं शिजुका में भी कर सकता तो उसको अपने प्यार में फंसा लेता। ये क्या, तुम तो उसे घुमा रहे हो बिल्कुल घड़ी की तरह। घूमता रहो, घूमते रहो, झूमते रहो, झूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, अब लो पटको। और देखो वो तो कितना ज्यादा हवा में उड़ गया। यार ये वाली पावर तो सबसे ज्यादा ग्रेट है। और जरा इसको देखो, ये तो बिल्कुल माइकल जैक्सन लग रहा है। अरे माइकल जैक्सन, ये मुझे तो बड़ा अजीब सा गुंडा लग रहा है, ये तो एक ही हाथ में गिर गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। चलो इसको भी तुम यहाँ पर बिल्कुल घड़ी की तरह घुमा दो नोबिता। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, और इसको जोर से पटको जमीन में। जितनी जोर के पटकोगे उतनी जल्दी मर जाएगा। अरे ये तो बिना पटके ही मर गया। चलो नियो भैया, अब तुम्हारी बारी है, देखते तुम यहाँ पर क्या कारनामे करते हो। अरे ये क्या, नियो भैया को तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खेलना आता, वो तो यहाँ पर हार जाएंगे। अच्छा तुझे ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा, ये देख पहले मैं इसको सर से पकड़ूंगा, उसके बाद इसको तोड़ूंगा और इसको चक्री की तरह गोल गोल घुमाऊंगा, गोल गोल घुमाऊंगा। अरे इतना मत घुमाओ, वो तो उल्टी कर देगा। अच्छा तो उसको पानी में फेंक दूंगा। अरे अब और तुम क्या करोगे नियो भैया। अरे ये जो टैंक दिख रहा है, इसमें मैं इसको फेंकूंगा और धमाका कर दूंगा। ये क्या, तुमने तो बहुत बड़ा धमाका किया नियो भैया। अरे लेकिन अब ये नियो भैया का खेल खत्म, ये हट्टे कट्टे मुस्टंडे नियो भैया को हरा देंगे। ऐसा तुझे लगता है, देख इसको मैं पकड़ूंगा हाथ से और इसको ऊपर ले जाके उस तेजाब में फेंक दूंगा। ये क्या, तुम तो उसको फेंक नहीं पाए और वो यहाँ पर बच गया। अरे मैंने पहले कहा था कि नियो भैया यहाँ पर हार जाएंगे। अबे ये देख वो बच गया तो क्या हुआ, इसको तो फेंकूंगा। अरे ये क्या, वो तो चल के राख में बदल गया। आपका ये दूसरे का भी इसमें फेंक दिया। अरे नियो भैया तुम तो बहुत मस्त खेल रहे हो। अबे बस ये तीसरे की बारी है। अरे तीसरा वाला तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, वो तुम पे चाकू के हमले करेगा, तुमको मार देगा। अरे मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता नियो भैया उसको भी आग में फेंक देंगे। जाओ जाओ गोल गोल घूमो और लावा के अंदर चल के भस्म हो जाओ। ये क्या, नियो भैया तो उसको बिल्कुल पतंग की तरह उड़ा रहे, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। यार देखो फाइनली नियो भैया ने उसको तेजाब में घेर दिया और वो भी यहाँ पर चल गया। और देखते हैं अगला यहाँ पर नियो भैया क्या करेंगे। मुझे तो नियो भैया का गेम देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे हाँ यार, वैसे नियो भैया इतना भी बुरा नहीं खेलते, वो तो काफी मस्त खेल रहे। अभी गाइस तुमको मैं दिखाता हूँ कि इस टकले को मैं कैसे फ्लश करता हूँ टॉयलेट के अंदर। ये तो बिल्कुल स्किबिडी बन जाएगा फिर। अरे स्किबिडी तो तब बनेगा ना जब ये टॉयलेट की सारी पूप खाएगा, वैसे ये नॉर्मल ही रहेगा। यार देखो यहाँ पर नियो भैया भी जीत गए। अरे ये देखो दोस्तों, अब हमारे पास एक नहीं दो नहीं पूरी तीन तीन पावर है। इनसे कैसे लड़ेंगे, ये देखो ये तो माइकल जैक्सन फिर से आ गया। अरे पहले तो हम इसके खोपड़े पे मारेंगे पंच। वाह इसे अच्छा सबक सिखाया, इसे सबक मिल गया होगा। अरे ये क्या, ये तो फिर से उठ गया, इसे फिर से दो तीन घूसे मारने पड़ेंगे।
दो दिन और मारो, अब जाके इसे सबक मिला होगा। अरे चलो और आगे चलते। अरे ये क्या, ये तो चोटी मास्टर है। oh, no. इसके हाथ में चाकू है, जरा इसे यहाँ पर गला घोट के इसका टकला फोड़ देते। ये क्या, ये तो बड़ी खतरनाक पावर है, गले को पकड़ो और बिल्कुल टमाटर की तरह पिचका दो। चलो अब इसकी बारी है, इसके भी टकला पकड़ता हूँ और इसको भी पिचका देता हूँ। अरे ये क्या, चलो इसको जाने दो यार, ये तो मेरे दोस्त जैसा लग रहा है। ये दोस्त काफी खतरनाक है, हमारे को मारने के लिए आ रहा था, इसको मैंने खत्म कर दिया। अरे चलो गाइस अब हम चलते और आगे। हे ये क्या, यहाँ पर तो खाली दो लोग हैं। दो नहीं तीन लोग हैं, दो लोग पीछे छुपे हुए। अरे इन्हें क्या लगता कि ये छुपके हमसे बच जाएंगे। पूरे पहले तो इसकी मैं गर्दन पिचकाऊंगा बिल्कुल टमाटर की तरह। ये क्या, ये छोटी मास्टर फिर से आ गया। oh, no. और वो तो आते ही गिर गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू, इससे तो चला भी नहीं जाता। चलो इनको दो तीन घूसे मारते, इससे इनको सबक मिल जाएगा। ओए क्या, इनको सबक बिल्कुल नहीं मिलना, एक काम करते हैं इसको हवा में उड़ा के ऊपर ही इसका सर पिचका देते। सही का, चलो गाइस इसको हवा में उड़ा दिया और इसका सर भी पिचका दिया। और यहाँ पर हम फिर से जीत चुके हैं। अरे चलो गाइस अब फिर से हम इस नीले बैंगन को भट्टी में जलाने वाले। ओए क्या, तुमने उसे कहाँ फेंक दिया नोबिता। अरे मुझे क्या पता, मैंने हल्का सा हाथ घुमाया और वो आसमान में गायब हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको फेंकते हम लावा के अंदर। अरे हाँ यार, इसका चिकन कीमा बन जाएगा। छोटी मास्टर फिर से आ गया। अरे फिर एक काम करते हैं, इसको भी फेंक दे तंदूरी में गरम होने के लिए। फटाफट से इसको चोटी से पकड़ो, गोल गोल घुमाओ और फेंक दो इसको इसके अंदर। अरे ये क्या, ये तो बच गया। ए, अगर ये बच चुका है तो दूसरे वाले को पकड़ते हैं, इस अंडे को हम उबाल देते हैं दूध के अंदर। अरे दूध के अंदर नहीं, लावा के अंदर बेवकूफ। और इसको मारते हैं दो तीन घूसे, और देखो इसके तो हमने सारे दांत तोड़ दिए। ओए कहीं तो फिर से खड़ा होकर दो तीन घूसे और मारो ताकि इसके अकल ठिकाने आ जाए। चलो गाइस अब हम चलते फाइनल बॉस के पास। और देखो इसके पास तो कौन है। अरे कोई नहीं, इसको दो तीन घूसे मारते जाएंगे कि हमें गोली भी नहीं मार पाएगा। और देखो हमने इतना मारा कि इसकी आत्मा ही बाहर आ गई। ये देखो दोस्तों अब तो ये बर्फ वाले बन चुके हैं। oh, no. अरे लगता है इन्होंने इतनी ज्यादा बर्फ खाई है कि इनका पूरा शरीर बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नहीं तो आपको भी ऐसा सर से पकड़ेंगे, गोल गोल घुमाएंगे और पानी में फेंक देंगे। यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब करके वो घंटी दबा देना क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो आती जाएगी। चलो गाइस अभी यहाँ पर इन चार आइसक्रीम को पकड़ते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। अरे यार एक एक करके पकड़ने की लोड़ नहीं है, यहाँ पर एक बार में सबको पकड़ लेते हैं। देखो ये सब तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह गोल गोल घूम रहे। चलो इनको जमीन में पटको तो देखते क्या होता है। यहाँ पर तो इनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। चलो गाइस अब हम और आगे चलते हैं, और देखो यहाँ पर तो खाली अब दो ही बचे। अरे यार जब हमने उन चारों को नहीं छोड़ा था, दो लोग कैसे हमसे बच जाएंगे। अरे चलो गाइस अब हम इन दोनों को बनाने वाले हैं पतंग। चलो गाइस इनको पतंग की तरह कभी यहाँ पर उड़ाते हैं, कभी वहाँ पर। तो गाइस इस वीडियो में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अरे मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।